हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने एक सब्सक्राइबर के बारे में जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ ऑन टॉपमेट। तो उन्होंने ये बताया कि उनको 5 साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है, विप्रो में वो जॉब कर रहे थे। उनके पास 2 ऑफर लेटर्स आए, ठीक है, एक आया TCS से, एक आया HCL से। TCS ने दिया 16 LPA एंड HCL ने दिया 18 LPA, फिर भी उन्होंने TCS ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि एक उनका रीजन था कि वो मेरी ड्रीम जॉब थी, कैंपस में आई थी, तब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था और तब फिर मैंने कसम खाई थी कि भाई मैं एक ना एक दिन TCS में जाऊंगा, ठीक है। अनदर रीजन ये था कि जो TCS था उसने बोला था कि हमारे यहाँ पे नाइट शिफ्ट नहीं है, क्योंकि वो DB वाला बंदा था, ठीक है ना, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जनरली रोटेशनल शिफ्ट या नाइट शिफ्ट हो जाती है। तो TCS वालों ने बोला कि भाई इसमें कोई नाइट शिफ्ट नहीं है। HCL वालों ने बोला कि इसमें नाइट शिफ्ट हो सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके, एंड दिस इज द रीजन फिर उन्होंने TCS ज्वाइन। बस यहाँ पे गलती एक कर दी कि जब हायरिंग मैनेजर जो भी था, रिक्रूटमेंट जब चल रहा था, तब उन्होंने ईमेल पे नहीं लिख के लिया कि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। उनको वर्क फ्रॉम होम चाहिए था और वर्बली कम्युनिकेशन हुआ था, सब ठीक था, ओके, बट रिटर्न में कहीं नहीं था। अभी जब क्या ज्वाइन कर लिया, ओके, 2 महीने हो गए, लैपटॉप आ गया घर पे, तो अभी मैनेजर बोलता है कि तुम आ जाओ गुड़गांव। वो बंदा रहता है दिल्ली, ऑफिस बुला रहे हैं गुड़गांव। उसने बोला कि आपका नोएडा में तो है, आप मुझे नोएडा भेज दो। बोलते हैं नहीं, वहां पे हमारा प्रॉपर ODC नहीं है, वहां पे अलाउ नहीं कर सकते, आप गुड़गांव आओ। फिर अभी उसकी बहस चलने लग गई, ओके, मैनेजर के साथ। मैनेजर तो सीधा लिख दिया कि मैंने कोई कमिटमेंट नहीं दी थी, है ना, वर्क फ्रॉम होम की या फिर नोएडा लोकेशन की, तो मैं तो नहीं दूंगा, आपको गुड़गांव आना ही पड़ेगा। अभी वो फिर बंदा अभी हायरिंग मैनेजर के पास उसको ईमेल कर रहा है कि भाई आपने बोला था। वो मान भी रही है, अच्छी बात है कि वो मान रही है, बट द थिंग इज रिटर्न में नहीं लिख के दे रही, ओके, रिटर्न में क्यों लिख। अभी वो बंदा रिटर्न में अब मांग रहा है कि अभी मुझे आप रिटर्न में लिख के दो कि आपने मुझे उस टाइम पे बोला था। मैंने बोला कि भाई तू अब रिटर्न पे जोर डाल रहा है, जब तू सिलेक्ट हो चुका था तब क्यों नहीं ईमेल पे बात करी, तब क्यों नहीं कन्विंस किया कि मुझे जरा आप ईमेल पे लिख के दो ताकि कल के मुझे मेरा मैनेजर मुझे बोले ना, ठीक है। उसके साथ और सिचुएशंस भी थी कि उसकी वाइफ जॉब कर रही थी नोएडा में, ओके, और दिल्ली से नोएडा उसका जो घर था, नोएडा ऑफिस उसी वाइफ का, वो पास पड़ रहा था, इवन TCS भी पास पड़ रहा था, बट अगर गुड़गांव शिफ्ट होता तो वो बहुत दूर पड़ रहा था, उसकी वजह से शायद उसकी वाइफ को जॉब भी छोड़नी पड़ सकती थी, और उनकी मम्मा को पिछले 2 साल से कैंसर था। तो ये सब सिचुएशन इतनी सारी थी कि भाई वो बोल रहा था कि भाई मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो, बट ऑफिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज उसके पास सिलेक्ट होने से पहले, ज्वाइन करने से पहले उसके पास रिटर्न में नहीं था। उसने एस्केलेट किया, मैनेजर की, एचआर के पास भी बात तक पहुंची, सब एग्री कर गए कि चलो ठीक है, समझ सकते हैं, ओके, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर, क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट है। अभी टीम मैनेजर क्या बोल रहा है कि भाई तुझको मेरी टीम में लिया गया था, मेरी टीम में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि अगर तुम अभी वर्क फ्रॉम होम मांगोगे तो मेरे पास 200 लोग हैं, वो सब मांगने लग जाएंगे, तो एक काम करो तुम ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। अब उसको इस बात की टेंशन होगी कि अगर मैं ऑफिस आया और बैठ के बात करेगी मतलब मुझे रख लिया, मुझे बिठाई लेंगे, कन्विंस कर ही लेंगे, मैनेजर तो कर ही लेते हैं कि भाई नहीं तू यहाँ पे रुक जा 2 महीने। अभी उसकी हायरिंग मैनेजर उसको, उसने उसको ईमेल किया था, तो उसकी हायरिंग मैनेजर ने उसको कॉल किया और उसको समझाया कि देखो यार ऐसा मत करो, तुम अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हो, ओके, झगड़ा मत करो, एक काम करो तुम चले जाओ गुड़गांव, चले जाओ, रेंट पे रहना पड़ेगा ऑफकोर्स, तुम गुड़गांव चले जाओ, थोड़ा सा टाइम बिताओ, उसके बाद तुम्हारा जैसा उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो गया या फिर तुमने मैनेजर को इम्प्रेस कर दिया तो बाद में वर्क फ्रॉम होम ले लेना। अभी इस बात की गारंटी कौन लेगा कि भाई वर्क फ्रॉम होम बाद में मिल जाएगा, ओके। अभी वो मेरे से क्वेश्चन एक और पूछ रहा है कि सर जी एक बात बताओ, अगर मैं ये झगड़ा करूं ना जो मैं कर रहा हूं पिछले 15-20 दिन से, ठीक है, तो क्या मुझे TCS से निकाल देंगे। अभी बताओ इसमें मैं कैसे बता सकता हूं, अगर मैंने बोला नहीं निकालेंगे तू झगड़ा कर और कल को सच में उसको निकाल दिया, PIP में डाल दिया, कुछ भी उसके ऊपर केस बना के भाई ये बंदा मान नहीं, उसको निकाल दो, ओके, वो एलोकेट हो चुका प्रोजेक्ट से, बट वो बोल रहा कि सर अगर निकाल दिया तो, निकाल दिया मैनेजर ने तो TCS की डिपार्टमेंट ने जो डिसाइड किया वो करेंगे, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं मेरे कहने पे, जस्ट बिकॉज के तुझे नहीं निकालेंगे, तू जाके लड़ रहा और कल को सच में निकाल दे तो मेरे पे चढ़ जाएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा ना, 50-50 चांसेस होते हैं, ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर मूड। मैं वही बोलता हूं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा मैनेजर, ठीक है। तो HR के पास जाने से पहले HR भी आपका ग्रजेस या कंसर्न तब सुनते हैं जब पहले आपका मैनेजर आपका रेडी होता है। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि काम कर, तो अपने मैनेजर को प्यार से समझा दे, उसको बोल दे कि सर देखो अभी अगस्त चल रहा है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने की बात है। मेरी वाइफ वैसे भी, मतलब उसकी वाइफ बायजूस में जॉब कर रही थी, उसमें भी बहुत उसके वो थे, डेडलाइंस थी, वो सब था, ठीक है, जस्ट बिकॉज एक सोर्स ऑफ अर्निंग थी इस वजह से वो जॉब कर रही थी। मैंने बोला उसकी मॉम को भी कैंसर था, तो बस वो मैंने उसको बोला काम कर तो उनको बोल दे कि भाई आप मुझे 4-5 महीने रुक जाओ, ओके, मेरा यहाँ पे सब सेटल होने दो, क्योंकि वो उनको अपनी बेबी प्लानिंग भी करनी है, सब कुछ करना है,
तो जैसे सब सेटल हो जाएगा, मेरी वाइफ भी प्रॉब्ली जॉब ही छोड़ देगी, तो उसके बाद मैं गुड़गांव रेंज पे शिफ्ट कर जाऊंगा। मैं बोला ट्राई आउट करके देख लेते, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या, अगर तुझे जॉब डर लग रहा है ये कि मेरी चली जाएगी, तो भाई फिर चला जा गुड़गांव रेंट पे चला जा, मैनेजर को इम्प्रेस कर दे, बाद में वापस आ जाइयो, वर्क फ्रॉम होम ले लियो, अभी तो कल्चर बन ही गया। फिर अभी मैंने एक और ऑप्शन बोला कि काम कर तू ना HCL वाली अपनी जो हायरिंग, जिसका भी रिक्रूटमेंट का कॉल आया था उसको कॉल कर और पूछ ले कि भाई इसमें वैकेंसी है क्या, मैं आना चाहता हूं। फिर बोलता कि सर मेरी TCS ड्रीम जॉब है। मैंने बोला देख लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता, सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं तुमको भी बोलता हूं, ठीक है, लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं बट उनके पास फैमिली टाइम नहीं होता, जिसको लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ठीक है, वो पैसा बहुत कमाते हैं, जॉब में बहुत पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब से प्रोबेबली बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है, ओके। और कुछ लोगों के पास अपने लिए बहुत टाइम है, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, बट वो एक एवरेज सैलरी कमा रहे हैं। फिर उसमें वही बात है, तुमको खुश रहना पड़ेगा, तुमको चाहिए क्या जिंदगी में। तो वो भी बंदा बहुत कंफ्यूज है कि मुझे TCS भी नहीं छोड़ना है और मुझे होमवर्क फ्रॉम होम भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। मैं इसलिए पहले दिन से बोलता हूँ हर चीज को ईमेल पे लेना सीखो, हर चीज को ईमेल पे। बाद में देखो तुम ईमेल कर रहे हो, सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका फिर क्या कर सकते हो, तुम ईमेल कर दो ओके एज पर अवर डिस्कशन यस दिस, हमने ये डिस्कस किया, मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, या फिर आपका कल को कुछ भी कंडीशन है तो, ठीक है ना। अगर सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप एटलीस्ट लिखो एज पर अवर डिस्कशन, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास इससे अच्छा कोई बेटर आइडिया है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ये जो मुझे बेस्ट लगा एज पर हिज सिचुएशन वो मैंने बताया उसको और आप सबको भी, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कल को किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास एक बेटर आइडिया है प्लीज कमेंट करना, ठीक है, और आपके पास भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है शेयर करने लायक तो प्लीज पिंग मी ऑन लिंक्डइन, ओके, और इफ यू हैव पर्सनल डाउट्स देन कनेक्ट मी ऑन टॉकमेंट, देन वी विल मेक अ वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, सारी वीडियोस बन चुकी है IT की, सब टाइप की, सब टाइप की, वर्क हैंडल प्रेशर से लेके नोटिस पीरियड अप्रेजल सब कुछ, ओके, प्लीज एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।